इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिवर्स एरे प्रॉब्लम को। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है 450 DSA सीरीज़ की। तो आप 450 DSA जो है एक वेबसाइट है 450DSA.com, अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 450DSA.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लॉगिन किए बिना हर क्वेश्चन का आप स्टेटस अपडेट रख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, हर एक क्वेश्चन में आप नोट ऐड कर सकते हैं और सेक्शन वाइज हर एक क्वेश्चन अरेंज है, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, रिवर्स एरे। तो जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये वाला। एक एरे गिवन है और बोला गया है कि इस पे जो भी एलिमेंट्स है फर्स्ट से लेकर के एन तक, इनको रिवर्स करना है। तो बेसिकली होगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है nth प्लेस पे आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट जो है वो आ जाएगा एन माइनस वंथ प्लेस पे, और ऐसे ही हमें रिवर्स करना है। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये यहाँ पर आएगा और जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लिया एल जो पॉइंट कर रहा होगा करंट एलिमेंट जो फर्स्ट होगा लेफ्ट साइड में, और एक वेरिएबल ले लिया हमने आर जो कि राइट साइड में करंट एलिमेंट को पॉइंट कर, और हमें सिर्फ इनको स्वैप करना है। तो हम लिख देते हैं स्वैप array of L, array of R। तो इससे ये दोनों एलिमेंट स्वैप हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, L को एक से इंक्रीज कर दो, क्योंकि अब तो L इस पॉइंट पे आना चाहिए और R इस पॉइंट पे आना चाहिए, अब हमें इन दोनों को स्वैप करना है। तो R को हम एक से डिक्रीज कर देंगे और ये ऑपरेशन हमें लगाते रहना है, कब तक, जब तक while जो L है वो लेस देन आ रहा है। ठीक है, जब L इक्वल्स टू आर आएगा तो उस पॉइंट पे स्वैप करने का कोई मतलब नहीं बनता, और L ग्रेटर देन आर हो गया इसका मतलब हम अपने ऑपरेशंस को रिवर्स कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, और हमने इसको जब स्वैप किया, इसका जब L इस पॉइंट पे आएगा एंड R इस पॉइंट पे आएगा, तब हम अगेन एक बार स्वैप करेंगे तो अपनी इनिशियल पोजिशन पर आ जाएगा, तो ये रिवर्स्ड नहीं रहेगा, इसलिए हम L लेस देन आर तक ही इसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इनिशियलाइज कैसे करेंगे, L इज इक्वल टू जीरो क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी जीरो से शुरू होती है, एंड R इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज़ द लेंथ ऑफ एरे एंड लास्ट इंडेक्स होता है एन माइनस वन। तो यही इसका कोड भी है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।